नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ज़िंदगी बचाओ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। इसमें हम देखेंगे कि जो आपकी हाइट है, जितने सेंटीमीटर है या इंच में है, और जो आपकी एज है, एज 15 भी हो सकती, 20, 25, 30, 40, 50, तो जो आपकी एज है उसके अनुसार आपका जो सही करेक्ट वज़न कितना होना चाहिए, जिसको कि आइडियल वेट बोलते हैं, वो कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, जो आइडियल वेट होता है वो आपकी एज और आपकी जो हाइट है वो, और आपका जो मेल हो या फीमेल हो, वो तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो सर्च किए इसको चेक करने के लिए, लेकिन जो सभी वीडियो दिए गए हैं वो दो टाइप के ही हैं। या तो आपकी एज के हिसाब से आपका वेट बताया गया है, या आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट बताया गया है। तो उससे आपका सही वेट नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जो आइडियल वेट है वो आपका जो एज है और आपकी जो हाइट है वो पता होना ज़रूरी है। उसी के अनुसार ही आपका आइडियल वेट होता है, और जो मेल और फीमेल का अलग अलग होता है। इसलिए इस वीडियो में हमने ये तीनों चीज़ों के अनुसार बनाया है। इसलिए ये देखने के बाद आपको आपका जो करेक्ट वेट होना चाहिए वो पता चल जाएगा, क्योंकि आइडियल वेट मेंटेन करना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे वो आपकी जॉब के पर्पज़ के लिए हो, चाहे आपकी हेल्थ के लिए हो। क्योंकि जॉब लेने के लिए भी क्या है, फिजिकली और मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, आपका वेट मेंटेन होना ज़रूरी है, और सेहत के लिए तो वेट मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि मोटापा क्या है, सभी बीमारियों की जड़ है। मोटापे के कारण, ओबेसिटी के कारण, शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, मानसिक स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसलिए आपको आपका सही वेट कितना है वो पता होना चाहिए। तो आइडियल वेट निकालने के वैसे तो काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, रॉबिन्सन फार्मूला, मिलर डिवाइन फार्मूला वगैरह। और इसके जो हमारा आइडियल वेट है, ये WHO की तरफ से, या हमारा जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसका चार्ट है, और जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे स्टेट पुलिस, CRP, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सब ने अपने चार्ट बनाए हैं। तो ये सभी में लगभग सेम ही वेट रहता है आइडियल वेट। थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी में केजी आधे केजी का इधर उधर हो, तो वो आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। तो आपका जो सही जो वेट है उसके लिए आप वहाँ के जो डॉक्टर हैं या डाइटिशियंस हैं वहाँ से कंफर्म कर सकते हो। हमने क्या है, एक आइडियल वेट का एक चार्ट तैयार किया है। इसमें हमने 15 साल से ऊपर के सभी लोगों का वेट लिया है, वो सब लोग देख सकते हैं, 15 साल से ऊपर वाले सभी। तो आज जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हमने सभी मेल का लिया है। फीमेल का बॉडी वेट क्या है, मेल्स की तुलना में थोड़ा कम होता है, इसलिए उसका अलग वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। पहले ये वीडियो क्या है, मेल्स का है। तो इसमें आपको क्या करना है, इस चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले हमने एज ग्रुप लिखा है ऊपर, तो पहले अपना एज देखना है। आपके जो एज ग्रुप है उसी के नीचे आपको देखना है, सबसे ऊपर एज देख लिया कितने साल है, उसके बाद आपने नीचे देखना है आपकी हाइट कितने सेंटीमीटर है, हाइट उसमें देखो वीडियो में जो चार्ट है उसमें, और उसके सामने आपका वेट देखो, जो वेट लिखा है उतना वज़न आपका लगभग होना चाहिए। ये क्या है, एक आइडियल बॉडी वेट है जो इस चार्ट में दिया गया है। इससे 10% कम है या 10% ज़्यादा है तो वो भी नॉर्मल रेंज है, 10% अप डाउन इससे जो वेरिएशन है वो सही है। अगर 10% से भी ज़्यादा वेट हो रहा है आपका, 20-25% ज़्यादा हो रहा है, तो आपको फिर जागरूक होने की ज़रूरत है अपने वेट के प्रति, और आपको डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका वेट इससे 30% से भी ज़्यादा है, 30%, 40% से भी, तो मतलब आप ओबेसिटी की प्रॉब्लम है आपको, आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं
15 से 17 साल के बीच जिनकी एज है उनका देखते हैं। तो सबसे ऊपर देखो, इसमें ये दिया है 15 एज ग्रुप, 15 से 17 साल। उसके बाद हाइट, ये हाइट क्या है सेंटीमीटर में है, 158 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर है तो आपका वेट कितना होना चाहिए, 49 kg। तो इसमें एक्यूरेट 49 ज़रूरी नहीं है, 10% कम मतलब इससे 5 kg कम या 10% ऊपर या 5 kg ज़्यादा होगा, वो भी नॉर्मल में है, मतलब 44 से ऊपर और 54 kg के बीच है, वो सभी नॉर्मल में है। तो इस प्रकार इस चार्ट को देखना है। उसके आगे है 160 सेंटीमीटर। तो अगर 160 सेंटीमीटर हाइट है तो वज़न होना चाहिए 50 kg। अगर 162 सेंटीमीटर है तो 51 kg। अगर हाइट 164 सेंटीमीटर है तो वज़न होना चाहिए 52.5 kg। अगर 166 सेंटीमीटर है तो 53.5 किलो। अगर 168 सेंटीमीटर है तो 55 किलो। अगर 170 सेंटीमीटर है तो वज़न होना चाहिए 56.5 kg। अगर 172 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका आइडियल वेट होना चाहिए 58। ये ध्यान रखना है, इसमें 10% अब ज़्यादा है या कम है वो भी नॉर्मल है, ये नहीं कि जो इसमें लिखा है वही नॉर्मल है, इससे 10% वेरिएशन अप या डाउन वो भी सही है। उसके बाद इसके नीचे देखो आगे, 174 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो वेट होना चाहिए 59.5 kg। 176 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो 61 kg। अगर 178 सेंटीमीटर है तो 62.5 kg। अगर 180 सेंटीमीटर है तो 64 kg। 182 सेंटीमीटर है तो 66 kg। 184 सेंटीमीटर है तो 67 kg। 186 सेंटीमीटर है 69 kg। 188 सेंटीमीटर है तो 75.5 kg वज़न होना चाहिए। ये हाइट क्या है 158 सेंटीमीटर, इसका हमने लिख दिया 49 kg। इसके बाद क्या है 160 सेंटीमीटर, इसका 50 kg। तो हो सकता है इन दोनों के बीच में भी आपकी हाइट हो सकती है 159, तो आपका वज़न कितना होगा, इसको देख के कंफ्यूज ना हो। अगर इन दोनों के बीच हाइट है जैसे 158 और 160 के बीच 159 सेंटीमीटर है, तो क्या है इन दोनों को जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, मतलब इन दोनों के बीच जो वज़न आ रहा है वो होना चाहिए। जैसे 49 kg और 50 के बीच में आधा कितना आएगा, 49.5, मतलब 49.5 किलो। अगर 159 सेंटीमीटर है हाइट तो 49.5 किलो होना चाहिए। ऐसे ही जिनका ओड में हाइट है वो इसमें नहीं दिख रहा है, वो इन दोनों के बीच का होना चाहिए। इसके बाद अगली एज ग्रुप लेते हैं 18 से 22 साल। अगर आपकी एज 18 से 22 साल है तो आप यहाँ नीचे देखें चार्ट में, अगर एज 18 से 22 साल के बीच में है, चाहे 18 हो, 19, 20, 21, 22, और अगर आपकी हाइट 158 सेंटीमीटर है तो आपका वज़न होना चाहिए 50 kg। अगर हाइट 160 सेंटीमीटर है तो 51 kg। अगर हाइट 162 सेंटीमीटर है तो 52.5 किलो। अगर 164 सेंटीमीटर है तो 53.5 kg। अगर 166 सेंटीमीटर है तो आपका हाई वेट होना चाहिए 55 kg। अगर 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो आपका वज़न होना चाहिए 56.5 किलो। अगर 170 सेंटीमीटर है तो आपका क्या है 58 kg होना चाहिए वेट। अगर 172 सेंटीमीटर है तो 60 किलो वज़न होना चाहिए। अगर 174 सेंटीमीटर है तो आपका वज़न 61 किलो होना चाहिए। अगर 176 सेंटीमीटर आपकी हाइट है तो 62.5 kg। अगर 178 सेंटीमीटर है तो 64 kg। 180 सेंटीमीटर है तो 65.5 किलो। 182 सेंटीमीटर है तो 67.5 kg। 184 सेंटीमीटर है तो आपका वज़न होना चाहिए 70 kg। 186 सेंटीमीटर है तो 70.5 kg। अगर 188 सेंटीमीटर है तो 72 kg।
ये है 18 से 22 वालों के लिए। तो दोस्तों अभी तक क्या है, ये हमने डिटेल में कौन सा देख लिया, 15 से 17 साल की एज वाले सबका देख लिया, 18 से 22 साल वाला देख लिया। अभी एज आती है 23 से 27 ईयर्स के बीच में जिसकी एज है। अगर उसकी हाइट है 158 तो उसका आइडियल वेट होगा 52 kg। अगर 160 सेंटीमीटर हाइट है तो वेट होगा 53 kg। 162 है तो 54.5 किलो, 164 है तो 55.5 किलो, ऐसे ही इसको देखते जाना है। 172 सेंटीमीटर है और इसका होगा 61.5 kg। 174 सेंटीमीटर हाइट है तो 63.5 kg, ऐसे देखते जाना है। अगर 188 सेंटीमीटर है तो 75 kg वजन होना चाहिए। 10% वेरिएशन इसमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार ये 28 से 32 साल वालों के लिए है। अगर हम एक एक का देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये चार्ट यहाँ लगा दिया है, इसमें आप देख सकते हो। अगर ऐसे क्लियर नहीं समझ में आ रहा हो आपको तो आप कमेंट में अपना एज और हाइट मेरे को भेज दें, मैं इसमें से बता दूंगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का इस चार्ट का अपने पास रखें, उसमें से आप नोट करके देख सकते हैं। तो इस चार्ट में आप सबका देख सकते हो 43 से 47 ईयर्स, और ये क्या है 48 ईयर्स, और उससे ऊपर आपकी जितनी भी है 60 है 49 है, तो वो आप इसमें देख सकते हो। इसी प्रकार इसको देखते जाना है। तो दोस्तों ये क्या है, ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं होता है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये क्या है, आइडियल वेट क्या होता है कि इसमें जो मेडिकल हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने क्या बनाया है कि एक ऐसी हाइट और एज के हिसाब से ऐसा वेट जिसपे आदमी को कम से कम बीमारियां हों, वो जो वेट होता है वो आइडियल वेट होता है। तो ये लगभग एक लगभग आइडिया होता है, इससे 10% कम ज़्यादा है वो भी नॉर्मल रेंज में ही काउंट होगा। और दोस्तों दूसरा क्या है, जो मेडिकल पर्पज़ के लिए वेट होता है तो उसमें हो सकता है आपका जो जिस संस्था का है, जैसे डिफेंस फोर्सेस का, पुलिस फोर्सेस का, या कोई अन्य इंस्टीट्यूट का, उसमें हो सकता है उनके चार्ट में कुछ वेरिएशन हो सकता है, इसलिए आप उनके जो ऑफिस है वहाँ से संपर्क करें उनके चार्ट के लिए, उनका कितना वेट अथराइजेशन कैसे है वो आप वहाँ से उनके डॉक्टर या डाइटिशियन वगैरह से कंफर्म करें। इससे कंपेयर करने की कोशिश ना करें, ये सिर्फ क्या है हेल्थ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जिससे आपकी हेल्थ मेंटेन रहे।